So now I think I should go home. मैं चलता हूँ। खाना खा कर तो जाओ। नहीं सोया। I really have to go home. मुझे देर हो रही है। मैंने उस जारा ने बाहर डिनर प्लान किया हुआ है, वो मेरा वेट कर रही होगी। उसके साथ तो रोज खाना खाओ, आज मेरे साथ खाओ। चीज। सोया, मैं ऑफिस सीधा घर ही जा रहा था। तुम्हारी तबीयत का सुना इसलिए मैं यहाँ पे आया, घबरा गया था मैं। When I was going home, I really need to go. मुझे पता है, मैंने बताया है कि मैं देखकर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है अगर थोड़ी देर बैठ जाओगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। मैं अब वैसे भी तुम्हें तो जिंदगी की सारी खुशियाँ मिल चुकी हैं, क्या मुस्बत नसीब के लिए तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बैठ जाओगे मैं खुश हो जाऊंगी। अरे क्या हुआ, जिंदगी भर का साथ थोड़ी मांग रही, खाना खाने के लिए कह रही हूँ। चले चल अच्छा। कैसी तबीयत है उसकी? आप अचान सोया बच्ची है, आप तो समझदार हैं, आप तो जानती हैं ऐसे कामों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, खेल बिगड़ जाता है। समझा दीजिए उसे, मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रखे, मैं देख रहा हूं सारे मामलात को। अपना ख्याल रखिएगा, मैं आता हूँ कल। खुदा हाफिज़। Excuse me. Sorry to disturb you. उमर अभी तक घर नहीं आया। अच्छा तो ये कि उमर ने कहा था कि आज हम डिनर पे जाएंगे, घर भी नहीं आया और फोन भी पिक नहीं कर रहा। उमर कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, मर्द है, अपनी मर्जी से जब चाहेगा आ जाएगा। मुझे सिर्फ टेंशन हो रही थी इसलिए आपसे बात करने आ गई। मैं उमर का बाप हूँ, बाप होने के बावजूद मैंने कभी उस पे ऐसी कड़ी नजर नहीं रखी। तो बीवी हो तो बीवी बन के रहो। बीवी अगर ऐसी नजर हर वक्त रखेगी तो अच्छी बात नहीं है। पढ़ी लिखी हो, इतनी समझ तो होगी। मैं तो सिर्फ बस मेरे पास तुम्हारे हर सवालों का जवाब नहीं है। क्यों मैं कहूं ना, उमर का जब दिल करेगा आ जाएगा। बेटा ये क्या, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। वो मैंने बहुत खा लिया। ये ना खाने का बहुत चोर है, अब दो इसे डाल के। बचपन से ही ये खाने पीने का चोर है, बचपन में इसे डांट डांट के मैं खिलाती थी। चलो डाल के दो इसे। नहीं नहीं जोया बैठी रहो। वो मैंने बाकी बहुत खा लिया, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं बची। ये क्या बात हुई? अच्छा मैं मीठा बनाया तुम्हारे लिए, वो लेके आती हूँ। तुम बातें करो, मैं आती हूँ। खा लो घर जाके, बीवी सारी खाएगी। वो ऐसी नहीं है, मेरे लिए तो बहुत बुरी है। मेरी जगह जो ले ली उसने। फिर वही बात, मैं यहाँ पे इसलिए हूँ ताकि तुम खाना खा सको, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। तुम्हें बताया तो है ना, तुम्हें देखकर मेरी तबीयत ठीक हो जाती। अगर तुम मेरे लिए ज्यादा अवेलेबल रहोगे ना तो शायद मैं बीमारी ना पड़ूं। बैठे रहो, अम्मी मीठा लेकर आ रही है। ये ट्राई किया? नहीं नहीं, have it. It's good, no? जायरा बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो? कहीं जा रही हो इतना तैयार होकर? अम्मी उमेर के साथ बाहर जाना था, मगर अब वो ना फोन पिक कर रहा है ना टेक्स्ट का रिप्लाई कर रहा है, और मुझे अब घबराहट हो रही है। उसको कभी इतनी देर नहीं हुई घर आने में। हाँ तो मैं बात, आ जाएगा अभी, घबराने की क्या बात है, खैरियत से ही होगा। और ऐसी वैसी कोई बात होती तो तुमसे ज्यादा मेरे साहब परेशान हो जाते। मुझसे भले ही नफरत करते हो मगर हमें ऐसे तो बहुत मोहब्बत करते हैं ना। अम्मी उनसे बात करके तो ऐसा लगा जैसे उनको पता है कि उमेर कहाँ है, और उन्होंने मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। तुम जानती नहीं हो ना मीर साहब को, वो असल में औरतों से बात मतलब अपनी बात नहीं करते। अम्मी मैं कोई औरत नहीं हूँ, मैं उमेर की बीवी हूँ, इस घर की बहू हूँ। मेरा पूरा राइट है जानना कि उमेर कहाँ है। वो नहीं बताएंगे तो मैं बार बार पूछूंगी, मैं भी ऐसे पीछा नहीं छोड़ूंगी। नहीं, उन्हें बताना होता तो वो पहले ही बता देते ना जब तुम उनके पास गई थी। वो भी जिद्दी हैं, तुम उनसे जिद मत करना। हाँ मखई नाराज होंगे, और अपने आप को भी इस तरह हल्कान मत करो। खाना खाया तुमने? खाने पे ही तो जाना था। मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से खाना खिलाती। वैसे मैं एक बात बोलूं, मुझे भूख नहीं है। अरे खाने से थोड़ी लड़ाई करते हैं, उमेर आएगा तो उससे लड़ लेना अच्छी तरह से।